बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये आज हम क्वेश्चंस करते हैं पहले चैप्टर के यानी कि 12वें चैप्टर के। तो पहला क्वेश्चन ये है, द पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट अ गिवन रीजन ऑफ स्पेस, इज द इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो और नॉन जीरो इन दिस रीजन, एक्सप्लेन। कहते हैं कि एक रीजन है जिसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है उसकी वैल्यू एक जैसी है, वो वेरी नहीं कर रही, तो क्या उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या नहीं होगा? तो ये देखें, ये मिसाल के तौर पर मैं एक स्फीयर ले लेता हूँ और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि ये कंडक्टिंग स्फीयर है जिसके ऊपर डेफिनेटली चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये अब देखिए पोटेंशियल क्या होता है, हम कहते हैं कि अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन डिस्प्लेसिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। अब मिसाल के तौर पर ये आपके पास जो चार्ज स्फीयर है इसका पोटेंशियल हम मालूम करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, यहाँ तक बिल्कुल इसका फील्ड था, तो यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज जो है यूनिट पॉजिटिव चार्ज वो हम इसको डिस्प्लेस करवाते हैं, तो डेफिनेटली जब इसको डिस्प्लेस करवाएंगे तो हमें इसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। क्यों वर्क करना पड़ेगा? कि ये जो हमारा स्फीयर है ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो यहाँ से यहाँ तक इसको डिस्प्लेस करवाने में जितना हमें वर्क करना पड़ा है वो बेसिकली यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा, क्योंकि ये है यूनिट पॉजिटिव चार्ज। हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है डेल्टा वी, वो किसके बराबर होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। यानी कि बिल फर्ज अगर ये हम एक कोलम चार्ज देते हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना हमें वर्क करना पड़ता है वो यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल का डिफरेंस होगा। तो अगर ये हम इन्फिनिटी से यहाँ तक लेकर जाएंगे तो डेफिनेटली यहाँ का पोटेंशियल जो है वो वी हो जाएगा, बिल फर्ज वी के बराबर है पोटेंशियल। अब हम क्या करते हैं, यहाँ बिल फर्ज एक छोटा सा सुराख है उसके जरिए से हम इस चार्ज को इसके अंदर ले जाते हैं। अब यहाँ बात समझने वाली है कि ये चार्ज जब अंदर जाएगा तो क्या यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक या किसी भी डायरेक्शन में जब इसको मूव करवाएंगे तो अब क्या इसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा? डेफिनेटली नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा? कि अब इसके ऊपर चारों तरफ से जो फोर्स लग रही है वो एक जैसी है, तो नेट फोर्स इसके ऊपर जीरो के बराबर होगी, तो जब हम इसको डिस्प्लेस करवाएंगे किसी भी पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक तो फोर्स जीरो के बराबर होने की वजह से इसके ऊपर अब कोई वर्क नहीं करना पड़ रहा। इसका मतलब ये हुआ कि जितना यहाँ का पोटेंशियल था ये पोटेंशियल अब चेंज नहीं होगा, यहाँ पोटेंशियल चेंज हो रहा है, क्यों, वर्क इंक्रीज होता जा रहा है, लेकिन यहाँ क्या है, वर्क हम कर ही नहीं रहे, इसका मतलब यहाँ पोटेंशियल चेंज नहीं होगा, यहाँ डेल्टा वी जो है बल्कि v जो है वो कांस्टेंट रहेगा। जितना यहाँ तक v था यानी कि यहाँ से यहाँ तक मूव करवाने में हमें अगर इलेक्ट्रिक वर्क जो है वो इतना पर यूनिट चार्ज जितना करना पड़ा है और यहाँ का पोटेंशियल हम जीरो लेते हैं तो यहाँ से यहाँ तक मूव करवाने में हमें v इनके वर्क करना पड़ा है यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ का पोटेंशियल जो है वो v के बराबर होगा। अब ये v कांस्टेंट रहेगा क्योंकि यहाँ वर्क नहीं करना पड़ा, ऊपर जाए नीचे जाए, तो ये वो रीजन बनता है जहाँ v की वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है। अब v की वैल्यू कांस्टेंट है, जब v की वैल्यू कांस्टेंट है तो e किसके बराबर होगा, e जो होता है वो तो डेल्टा v होगा, डेल्टा r होगा ना, तो यहाँ पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा। जब पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा इसका क्या मतलब हुआ, डेल्टा v की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो डेल्टा v की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो e की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। अब ये देखें, ये वही बात आ गई जो हमने गॉसियन लॉ में पढ़ी थी, क्या बोला कि अगर ये चार्ज स्फीयर है तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू जीरो के बराबर होगी, और यहाँ देखें इसके अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट है, पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पोटेंशियल जीरो है, पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा,
तो पोटेंशियल के चेंज ना होने की वजह से ई की वैल्यू जीरो के बराबर होगी। तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो हमारा स्फीयर है इसके इनसाइड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू जीरो के बराबर रहती है। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ ये वो रीजन है यहाँ वी की वैल्यू कॉन्स्टेंट है तो ई की वैल्यू जीरो के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ वी चाहे चेंज नहीं होता यानी कि पोटेंशियल कॉन्स्टेंट रहता है वहाँ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू जीरो के बराबर होगी। अब दूसरा क्वेश्चन है सपोज दैट यू फॉलो एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, डू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द पोटेंशियल इंक्रीज आर डिक्रीज। कहता है कि आप जो है एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इस तरह मूव कर रहे हैं जो कि पॉइंट पॉजिटिव चार्ज की वजह से बना है, तो अगर आप इलेक्ट्रिक यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को फॉलो कर रहे हैं तो आप का जो पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यानी कि ई और वी जो होगा वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो ये देखें ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, पॉइंट पॉजिटिव चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह बनती है। तो कहता है कि आप किसी एक लाइन को फॉलो करते हुए जा रहे हैं, डेफिनेटली आप बिलफर्ज इनिशियली यहां पे थे ए पॉइंट के ऊपर, तो आप इसको फॉलो करते जा रहे हैं, मीन जिस डायरेक्शन में ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की यानी कि एरो दिखाई दे रहा है आप उस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो बिलफर्ज ए से आप बी तक चले जाते हैं। तो V में क्या फर्क पड़ेगा यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या फर्क पड़ेगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी में क्या फर्क पड़ेगा। तो ये देखें A पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो आर ए कह ले और B पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो आर बी कह ले। तो हमने ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V जो होता है बेसिकली के क्यू ओवर आर के बराबर होता है, क्यू इसका चार्ज है के कॉन्स्टेंट है वो आपको पता है 1/4 pi epsilon naught उसकी वैल्यू होती है। तो इसका क्या मतलब हुआ वी ए जो होगा वो के क्यू आर ए होगा और वी बी जो होगा वो के क्यू आर बी होगा। अब ये देखें आर ए की वैल्यू कम है आर बी की वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि वी ए की वैल्यू ज्यादा होगी वी बी की वैल्यू कम होगी। तो आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं वहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज होता जा रहा है यानी कि वी ए जो होगा वो ग्रेटर होगा वी बी के। इसका मतलब ये हुआ कि हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं यानी कि हम एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को फॉलो करते जा रहे हैं तो हम डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं। और यही बात आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि ई जो होता है वो किसके बराबर होता है के क्यू ओवर आर स्क्वायर। तो यहां भी देखिए कि ई जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर के। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से जब हम यहां जाएंगे आर की वैल्यू इंक्रीज होती जाती है तो ई की वैल्यू स्क्वायर टाइम डिक्रीज होती जाएगी, ई की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। तो दोनों ही सिचुएशन यानी कि जब हम मूव कर रहे हैं तो दोनों क्वांटिटीज मीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी ये डिक्रीज होती जाती है जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को फॉलो करते हैं। वो अलहदा बात है कि V जो है वो लीनियरली डिक्रीज हो जाती है जबकि E मीन पोटेंशियल जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R के और E जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R के स्क्वायर के। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो स्क्वायर टाइम डिक्रीज होती जाती है, मीन रैपिडली डिक्रीज होती जाती है। ये अगला क्वेश्चन है कि एक कैपेसिटर जो है वो चार्ज्ड है। अब हमें नहीं पता कि उसकी कौन सी पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है कौन सी नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। ऐसे समझ लें कि हमने कैपेसिटर जो है उसको चार्ज किया और हमने टर्मिनल जो है बैटरी की अलग कर दी और हम भूल गए फिर कि कौन सा टर्मिनल जो है कैपेसिटर का कौन सी बैटरी के टर्मिनल के साथ अटैच था। तो
अब हमने आइडेंटिफाई करना है कि वो कैपेसिटर जो है उसकी कौन सी पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है और कौन सी नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। तो मैं यहाँ छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, खास तौर पर उन दोस्तों से जो किताबें वगैरह या हेल्पिंग बुक्स जो है वो लिखते हैं, कि अब इलेक्ट्रोस्कोप की जान छोड़ दें। ये बहुत पुराना डिवाइस हो गया है, अब तो किसी लेबॉरेटरी में भी नहीं मिलता। तो अभी तक वही चल रहा है कि इलेक्ट्रोस्कोप से हम इसकी जो मालूम कर सकते हैं कि कौन सा चार्ज पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। उस ट्रेडिशन को कायम रखते हुए मैं भी चलो अपना हिस्सा मिला देता हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसको जदीद जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, जो कि अच्छे किस्म के अवेलेबल भी हैं, उनसे हम इसका जो पोलैरिटी है कैपेसिटर के ये प्लेट्स की, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव चार्ज है, उसको फाइंड आउट किया जा सकता है। तो पहले यही देख लें, पुराना तरीकाकार जो है इलेक्ट्रोस्कोप क्या होती थी, ये एक गिलास की एक बड़ी बोतल होती थी जिसके अंदर ये जो एक डॉट होता था, यानी कि ढकना इसका होता था, जो इंसुलेटर का होता था, और यहाँ एक डिस्क होती थी, डिस्क के साथ एक रॉड होता था कंडक्टिंग। यहाँ जो है इस कंडक्टिंग रॉड के इस एंड के ऊपर दो सोने की यानी कि गोल्ड लीफ यहाँ जो है इसके साथ अटैच होती थी। अब क्या किया जाता था कि गिलास रॉड को रेशम से रब करके जब इसके साथ टच किया जाता था तो जाहिर है ये चार्ज जो है यहाँ पे फ्लो हो जाता था। जब चार्ज फ्लो हो जाता था तो जाहिर है इस पे भी पॉजिटिव चार्ज, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज, तो दोनों ही गोल्ड लीफ जो है उसके ऊपर चूंकि पॉजिटिव चार्ज आता था, वो एक दूसरे को रिपेल कर देती है। अब हमने ये इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज कर दिया, चार्ज करने के बाद क्या करेंगे, इसको हटा देंगे और फिर क्या करेंगे, कैपेसिटर लेंगे, कैपेसिटर की एक टर्मिनल जो है इसके साथ टच करेंगे। अगर ये टर्मिनल जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होगा तो डेफिनेटली मजीद चार्ज जो है इन जो गोल्ड लीफ हैं इनके ऊपर आ जाएगा, जिसके नतीजे के तौर पर इनका जो सेपरेशन है, इनकी जो डाइवर्जेंस है वो ज़्यादा हो जाएगी। अगर इसकी डाइवर्जेंस ज़्यादा हो जाती है, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप के गोल्ड लीफ की डाइवर्जेंस ज़्यादा हो जाती है, जब हम कैपेसिटर जो है उसका एक टर्मिनल जो है यहाँ पे इसकी डिस्क के साथ अटैच करते हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि ये इसकी प्लेट जो है पॉजिटिवली चार्ज है। लेकिन अगर इसका उलट हो जाए, यानी कि हम बजाय इसके कि पॉजिटिव टर्मिनल इसके साथ अटैच करें, क्योंकि हमें तो पता नहीं है, हम अगर ये नेगेटिव प्लेट इसके साथ अटैच कर देते हैं तो क्या होगा, ये चार्ज जो है वो कम हो जाएगा, यानी कि नेगेटिव चार्ज की वजह से ये न्यूट्रल होना शुरू हो जाएगा, तो जिसकी वजह से इसकी सेपरेशन जो है वो कम हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप को पॉजिटिवली चार्ज करते हैं और फिर क्या करते हैं, कैपेसिटर की प्लेट जो है डिस्क के साथ लगाते हैं। तो अगर डाइवर्जेंस ज़्यादा हो जाती है तो इसका मतलब यह है कि हमने जो प्लेट जो है अटैच की है, टच किया है उसको डिस्क के साथ, वो पॉजिटिवली चार्ज थी। लेकिन अगर डाइवर्जेंस कम हो जाती है तो इसका मतलब ये हुआ कि कैपेसिटर की ये प्लेट जो है वो नेगेटिव चार्ज है। अब हम अपनी लेबॉरेटरी के अंदर, इवन घर के अंदर जो है, किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं, तो उसका बड़ा ही आसान सा तरीका है। हमारे पास ये डिजिटल जो वोल्ट मीटर है आजकल बड़े आम मिलते हैं, यानी कि चाइना का शुक्रिया मैं तो समझता हूँ कि उसने ये डिजिटल वोल्ट मीटर या डिजिटल एवोमीटर जो है बड़े सस्ते बना दिए, 400-500 रुपए का अच्छा डिजिटल वोल्ट मीटर जो है आपको मिल जाता है। तो आपका कैपेसिटर जो है चार्ज है, आपको पता नहीं कि इसकी ए प्लेट पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, बी प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, तो आप क्या करेंगे, डिजिटल वोल्ट मीटर लेंगे, और डिजिटल वोल्ट मीटर में जाहिर है एक उसका टर्मिनल जो है उस वो ब्लैक होगा, दूसरा जो है वो रेड होगा, या उसके ऊपर नेगेटिव और पॉजिटिव जो है उसके निशान लगे हुए होते हैं, यानी कि उसका कलर किया होता है। जब इसको अटैच करेंगे इसके साथ, तो याद रखिए डिजिटल वोल्ट मीटर जो होता है उसकी रेजिस्टेंस जो है तकरीबन इन्फिनिटी होती है, तो जब इसके साथ अटैच करेंगे तो क्या होगा, इसका जो डिस्प्ले है अगर उसके ऊपर पॉजिटिव आ जाता है, यानी कि ये बता देता है इसका वोल्टेज जो है पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव, मिसाल के तौर पर ये कह देता है कि कैपेसिटर जो है उसके ऊपर जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट, साथ पॉजिटिव साइन आता है, तो इसका पॉजिटिव साइन आमतौर पर नहीं आता। इसका मतलब ये हुआ कि ये प्लेट जिसको हमने पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा हुआ है, कैपेसिटर की यही प्लेट पॉजिटिवली चार्ज थी और दूसरी प्लेट जो है नेगेटिवली चार्ज थी। लेकिन अगर इसका कनेक्शन उलट है तो फिर यहाँ पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव साइन आएगा, यानी कि ये नेगेटिव साइन अपेयर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि वो टर्मिनल जो हमने पॉजिटिव से चार्ज जोड़ा हुआ है एक्चुअली वो नेगेटिव है,
और वो ट्रायंगल जो नेगेटिव से जुड़ा हुआ है एक्चुअली वो पॉजिटिव है, जिस तरह हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसी तरह आप ऑसिलोस्कोप से देख सकते हैं कि कौन सी प्लेट पॉजिटिव, अपना कैपेसिटर की कौन सी प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है, कौन सी प्लेट नेगेटिवली चार्ज है। तो अगर वो पॉजिटिव शो कर रहा है, यानी कि एवरेज लेवल से उसकी लाइन जो है वो अपवर्ड चली जाती है जब आप कैपेसिटर अटैच करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने पॉजिटिव को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा हुआ, नेगेटिव को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा हुआ है। अगर वो नीचे की तरफ आ जाती है तो इसका रेसिप्रोक होगा। तो बहरहाल ये आसान तरीका है कि आप क्या करते हैं, डिजिटल वोल्ट मीटर लेते हैं, कैपेसिटर के साथ अटैच करते हैं, साइन अगर नेगेटिव आ जाता है तो वो टर्मिनल जो हमने पॉजिटिव से जोड़ा हुआ वो नेगेटिव है, जो नेगेटिव से जोड़ा हुआ वो पॉजिटिव है, और अगर इसका साइन जो है वो नहीं आता तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये चौथा क्वेश्चन है कि आपके पास दो प्लेट्स हैं और दोनों पे सेम चार्ज है, यानी कि उसकी पोलैरिटी सेम है। अगर इस पे नेगेटिव है तो इस पे भी नेगेटिव है, अगर इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है तो इस प्लेट पे भी पॉजिटिव चार्ज है। तो इसके अंदर यहाँ हमने पॉइंट पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, इसके ऊपर फोर्स कितनी लगेगी? तो डेफिनेटली इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी यहाँ वो जीरो के बराबर होगी। वजह क्या है? वजह ये है कि ये देखें, ये जो प्लेट इसको रिपेल करेगी इस डायरेक्शन में, उतनी ही फोर्स से ये प्लेट इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करेगी, तो नेट फोर्स जो होगी सिग्मा एफ जो होगा वो जीरो के बराबर हो जाएगा। इसको एक और तरीके से भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये देखें दोनों ही पॉजिटिव प्लेट है, इसका क्या मतलब हुआ कि इस रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू जीरो के बराबर होगी। आपने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो होती है वो सिग्मा ओवर टू एप्सिलॉन नॉट के बराबर होती है। अब ये देखें इसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी इतनी है, उसकी मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन ये है, और इसकी भी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी उतनी ही है मैग्नीट्यूड, लेकिन इसकी डायरेक्शन ये है। तो दोनों डायरेक्शन, दोनों इंटेंसिटीज मैग्नीट्यूड में सेम है, डायरेक्शन में एक दूसरे के अपोजिट है, तो इसका मतलब ई की वैल्यू, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू इस रीजन के अंदर जो है जीरो के बराबर होगी। और हमें पता है कि एफ जो होता है वो क्यू और ई का प्रोडक्ट होता है, जब ई की वैल्यू जीरो होगी तो एफ की वैल्यू भी जीरो होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस चार्ज के ऊपर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करेगी, जब दोनों प्लेट्स के ऊपर सेम चार्ज होगा मैग्नीट्यूड के लिहाज से भी और पोलरिटी के लिहाज से भी। उसके मुकाबले में अगर हमारे पास दो प्लेट्स हैं लेकिन दोनों पे चार्ज की मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन दोनों की पोलरिटी जो है एक दूसरे से डिफरेंट है, तो फिर क्या होगा? डेफिनेटली फिर इस चार्ज के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, ये इस चार्ज को रिपेल करेगी और ये प्लेट इसको अट्रैक्ट करेगी। अब इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी उसकी डायरेक्शन ये होगी, इसको कह लें ई पॉजिटिव। तो ई पॉजिटिव जो होगा वो किसके बराबर होगा? सिग्मा ओवर टू एप्सिलॉन नॉट। और इसकी वजह से ये भी डायरेक्शन ये होगी, इसको कहेंगे ई नेगेटिव। तो ई नेगेटिव किसके बराबर होगा? वो भी सिग्मा ओवर टू एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल ई जो होगी वो हो जाएगी सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट के बराबर, यानी कि आधा ये दोनों को जमा करते हैं तो ये सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाएगा। जब ई की वैल्यू ये होगी तो जाहिर है ई जीरो नहीं है तो फोर्स भी जीरो के बराबर नहीं होगी, फोर्स की वैल्यू जो है वो इसको पॉजिटिव चार्ज से मल्टीप्लाई करने से हमें हासिल होगी। इसका मतलब इस सिचुएशन में जो नेट फोर्स है वो जीरो के बराबर नहीं होगी, इस सिचुएशन में नेट फोर्स जीरो के बराबर होगी। अब अगला क्वेश्चन जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, वजह क्या है, रीजन क्या है? अब देखिए हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती हैं उसके किसी भी पॉइंट के ऊपर, मिसाल के तौर पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इसके किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन मालूम करना चाहते हैं तो वो उस पॉइंट का टेंजेंट होगी, यानी कि ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन यहाँ पे होगी, और इधर इसी तरह यहाँ पे लेते हैं तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये होगी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है उसके किसी भी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की जो वैल्यू होती है वो उस पॉइंट का टेंजेंट होती है। अब बिलफर्ज अगर हम कहते हैं कि ये दो लाइनें जो है एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, इसका मतलब यह है कि ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, दोनों लाइनें यहाँ से एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं।
इस लाइन के लिहाज से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये होनी चाहिए, इस लाइन के लिहाज से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये होनी चाहिए। अब एक पॉइंट के ऊपर एक ही फोर्स लग रही है, उसकी दो डायरेक्शन नहीं हो सकती। एक वेक्टर क्वांटिटी की एक ही मैग्नीट्यूड होती है और एक ही डायरेक्शन होती है। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है, ये इलेक्ट्रिक अपना वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी एक पॉइंट के ऊपर दो डायरेक्शन नहीं हो सकती। इसका मतलब ये हुआ कि दो लाइनें जो है एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। अब अगला क्वेश्चन है कि अगर आपके पास नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन इस तरह पे उसकी लाइनें एक दूसरे के पैरेलल है, एक ही डायरेक्शन में। तो ये देखिए, हमने एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ड्रॉ किया। इसमें ये देखिए कि लाइनें एक दूसरे के क्लोजर हैं, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा होगी। जैसे जैसे हम नीचे आते जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कम होता जाता है, लाइनें फार्दर होती जाती। इस तरह का अगर फील्ड है हमारे पास, तो उसमें अगर एक पॉजिटिव चार्ज हम रखते हैं, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज रखते हैं, तो पूछा ये क्या है कि क्या वो स्ट्रेट लाइन में जा सकता है? तो डेफिनेटली इस सिचुएशन में तो जा सकता है, क्योंकि इसके ऊपर डायरेक्शन फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में। एफ आपको पता है कि क्यू और ई का प्रोडक्ट होती है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वही इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन होगी। तो इसका मतलब ये पॉसिबल है कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नॉन यूनिफॉर्म हो, उसके अंदर अगर आप एक पॉइंट पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, तो उसके ऊपर जब फोर्स लगेगी, इसका मास एम के बराबर है, इसके ऊपर जब फोर्स लगेगी तो वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर सकता है। इस तरह के ये आपके पास एग्जांपल। अब अगला क्वेश्चन ये है कि आपके पास एक स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है, कंडक्टेंस स्फीयर, उसके ऊपर हमने यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है, क्या लाजमी है कि इसके इनसाइड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू जीरो हो? हाँ बिल्कुल, ये लाजमी है। वजह क्या? वजह इसको दो तरीके से हम बयान कर सकते हैं। पहली बात तो आप हवाला दे दें गॉस लॉ का, कि गॉस ये कहता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। वो जो आपने एप्लीकेशन पढ़ी हुई है, तो हम कहते हैं कि ये एक हमारे पास गॉसियन सरफेस बन गई स्फेरिकल शेप में, क्योंकि इस सरफेस के इन साइड चार्ज है वो जीरो के बराबर है। इसका मतलब इस सरफेस का फ्लक्स जो है वो जीरो के बराबर होगा। अब फ्लक्स जो होता है वो ई और ए के प्रोडक्ट के बराबर होता है। अब इस सरफेस का ए तो जीरो हो नहीं सकता, इसका मतलब यह है कि ई जीरो के बराबर होगा। अब दूसरी तरह इसको किस तरह आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर बिलफर्ज हम यहाँ पे कोई चार्ज रखते हैं, तो हम कहते हैं कि एफ जो होता है वो क्यू और ई के प्रोडक्ट के बराबर होता है। सॉरी, ई जो होता है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हमने मालूम करनी है, ई इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज के बराबर होता है। अब अगर चार्ज यहाँ रखा जाएगा तो क्या होगा? हम ऐसा करते हैं कि ये पूरा स्फीयर जो है उसको छोटे छोटे सर अपना उसको एलिमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो ये देखिए, ये इतना हिस्सा जो है पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ अगर चार्ज हम रखेंगे भी, क्यू चार्ज रखेंगे, तो ये इसको इधर रिपेल करेगा, ये इसको इधर रिपेल करेगा, इसी तरह ये इसको इधर रिपेल करेगा, ये इसको इधर रिपेल करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉजिटिव चार्ज चारों तरफ से इक्वली रिपेल होगा। जब इक्वली रिपेल होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि सारी की सारी फोर्सेस मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगी, डायरेक्शन में एक दूसरे के अपोजिट होंगी। तो नेट फोर्स जीरो के बराबर होगी। जब नेट फोर्स जीरो के बराबर होगी तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू भी जीरो के बराबर होगी। अगला क्वेश्चन है, इज इट ट्रू दैट गॉस लॉ स्टेट्स दैट द टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस क्रॉसिंग एनी क्लोज्ड सरफेस इन द आउटवर्ड डायरेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द नेट पॉजिटिव चार्ज एनक्लोज्ड विद इन द सरफेस। कहता है कि क्या ये सही है, हम कह सकते हैं कि अगर एक क्लोज्ड सरफेस है, गॉसियन सरफेस, उसके अंदर जो चार्ज पड़ा हुआ है पॉजिटिव चार्ज, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है इसके सरफेस के से बाहर जा रही हैं, उनकी तादाद जो है वो प्रोपोर्शनल है इस चार्ज के, तो डेफिनेटली ये सही बात है। कैसे? हम ये क्लोज्ड सरफेस ले लेते हैं, तो इसके अंदर क्यू चार्ज है, तो इसका मतलब ये है पॉजिटिव क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें जो हैं इस सरफेस से बाहर निकल रही हैं। अब गॉसियन लॉ के मुताबिक फाई जो होगा, इसमें से जो फ्लक्स पास हो रहा है सरफेस के अंदर से, वो क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। और फाई हमें पता है कि ई और ए के प्रोडक्ट के बराबर होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ई ए इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब ई किसके इक्वल हो जाएगा?
क्यू ओवर ए एप्सिलॉन नॉट, लेकिन ए इसका सरफेस एरिया जो है वो भी कांस्टेंट है और एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि ए और एप्सिलॉन नॉट दोनों ही कांस्टेंट है। तो जब हम ये कहते हैं कि ये कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये हुआ कि ई जो है वो चार्ज के प्रोपोर्शनल है, मीन इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो चार्ज के, ये जो चार्ज इसके अंदर एनक्लोज है उसके प्रोपोर्शनल है। लेकिन हमें यह पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनों की तादाद डिपेंड करती है ऑन द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जितनी लाइनें क्लोजर होती जाएंगी उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है स्ट्रांग होता जाएगा, जितनी लाइनें जो है फार्दर होती जाएंगी, दूर दूर होती जाएंगी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी ही कम होती जाएगी। तो एक तरफ हम कहते हैं कि ई जो है वो क्यू के प्रोपोर्शनल है, दूसरी तरफ हम कहते हैं कि ये नंबर ऑफ लाइन पर यूनिट एरिया के प्रोपोर्शनल है। इसका क्या मतलब हुआ, ई जो है क्यू के भी प्रोपोर्शनल है, ई एन के भी प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये हुआ कि एन जो है वो क्यू के प्रोपोर्शनल होगा। तो क्यू जो है इसका चार्ज है जो इसके अंदर एनक्लोज्ड है, और एन है एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनों की तादाद पर यूनिट एरिया। तो यहाँ से हमने ये कंक्लूड किया कि बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनों की तादाद जो है वो उस चार्ज के प्रोपोर्शनल है जो किसी भी क्लोज सर्फेस के अंदर एनक्लोज होती है। अब आखिरी क्वेश्चन ये है कि एक आपके पास इलेक्ट्रॉन है, वो एक ऐसे रीजन में पड़ा हुआ है कि जिसमें एक तरफ हायर पोटेंशियल है एक तरफ लोअर पोटेंशियल है, तो वो किधर जाएगा, हायर पोटेंशियल की तरफ जाएगा या लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा। तो हमने ये एक फील्ड बना दिया, मिसाल के तौर पर ये प्लेट है पॉजिटिवली चार्ज, ये प्लेट है नेगेटिवली चार्ज, तो इसके अंदर जो रीजन होगा उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। लेकिन उसमें ये देखें, ये हायर पोटेंशियल पे है प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है, ये लोअर पोटेंशियल पे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, यानी कि ई जो है आपको याद होगा हमने कहा था कि ई जो होता है वो होता है माइनस ग्रेडियंट ऑफ वी, यानी कि जिस डायरेक्शन में वी डिक्रीज हो रहा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो जो वो होती है ये इस डायरेक्शन में, यानी कि ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक वी ग्रेडियंट ऑफ वी के अपोजिट होगा। जिस डायरेक्शन में वी इंक्रीज हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में डिक्रीज हो रहा है, और जिस डायरेक्शन में वी डिक्रीज हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उस डायरेक्शन में होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ होता है। तो बहरहाल ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, इसके अंदर हमने इलेक्ट्रॉन रखा। तो अब मैथमेटिकली चलो देख लेते हैं कि एफ हम कहते हैं कि क्यू और ई का प्रोडक्ट है, यहाँ क्यू किसके बराबर होगा, माइनस ई के, माइनस ई के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि एफ इज इक्वल टू माइनस ई इन टू ई। अब ये देखिए एक वैक्टर ये है एक वैक्टर ये है, लेकिन साथ आ रहा है नेगेटिव साइन। आपको पता है कि वैक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो तो नेगेटिव हो नहीं सकती, ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करेगा कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और फोर्स एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये है तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी इधर लगेगी तो किधर जाएगा, जाहिर है जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी इलेक्ट्रॉन के ऊपर उसी डायरेक्शन में मूव करेगा ना, तो इसलिए हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा। तो अगर ये प्रोटॉन होता तो वह हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करता। अल्लाह हाफिज़।